दीपक जी है उत्तराखंड से। ये मेरे 30 डेज स्टॉप स्टैम्पिंग चैलेंज का एक पार्ट है। दीपक जी स्पेशल क्यों है? क्योंकि इन्हें स्टैम्परिंग का इशू है। स्टैम्परिंग को इन्होंने अपने जॉब के थ्रू मैनेज किया है। ऑल्दो वो चैलेंजिंग टास्क है, बट ही इज फाइटिंग विथ हिज स्टैमर बहुत ब्रेवली। एंड अभी इनने अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, अपनी स्टैमरिंग को और रिड्यूस करने के लिए काफी सारे नए नए इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जिनके बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे। दीपक जी थोड़ा सा आप परिचय देंगे अपने बारे में? जी सर, आई एम दीपक गर्जोला एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड नैनीताल। करंटली ठीक है सर मैं एक फूड इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ ठीक है एज अ लैब मैनेजर। जी सर, तो सर मेरे को भी सर काफ़ी स्टमरिंग थी बचपन से ही। और सर जब मैं डिप्लोमा में था और जब मैं फाइनल ईयर में था, तो उस समय सर मेरे को बहुत ज़्यादा स्टमरिंग हो गई थी अभी स्टॉप, और अभी स्टॉप। इंटरव्यू हम मेरे। ना जी स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ना जी अपनी जी सर, लाइक आपके स्टैम्परिंग का इशू क्या था? पूरी आपकी इंटायर स्टैम्परिंग स्टोरी क्या है मुझे बताइए, बचपन से लेके अभी तक करके, ओके मतलब कैसे ओके क्या ओके हुआ ये सब वगैरह, कुछ मतलब कुछ फनी मोमेंट जी, या फिर बिल्कुल बिल्कुल सैड मोमेंट, उनके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। राइट बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसको बोल नहीं पा रहा था ये सब चीजें। है तो सर मुझे स्टामरिंग की प्रॉब्लम बचपन से ही थी। मैं हुँ। 5th 6th से मुझे लगा कि मुझे स्टामरिंग है। हुँ। तो सर लेकिन जैसे जैसे, तब मैं छोटा था तो उतना ज्यादा आइडिया नहीं था, और घर वाले भी खुश होते थे कि चलो ऐसे बोलता है लड़का 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 के। तो सर ठीक जब धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस होने लगी, और फिर मैं क्लास में जाने में भी सर वही डरने लगा, और अटेंडेंस वगैरह में भी मेरे साथ सर सेम प्रॉब्लम हुई। अब है ठीक है 10th सर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग से। तो सर मैंने जब वहाँ एडमिशन लिया तो सर वहाँ मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने लगी, क्योंकि सर वहाँ पर हमारे इंटरव्यूज वगैरह होने लगे फाइनल ईयर में। तो वहाँ पर सर कोई भी कंपनी में मेरे रिटर्न तो सर बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि मैं अपने क्लास का टॉपर था ही था, अच्छा था मतलब क्लास में पढ़ने में। लेकिन सर इंटरव्यू में मेरे को बहुत दिक्कत होने लगी, मैं एक एक वर्ड नहीं बोल पा रहा था वहाँ पर। ठीक है और एक बार तो सर मुझे लगा कि मैं अपने आप को एक्सपोज कर दूँ वहाँ पर। तो मैं सर इंटरव्यू में जाके मैंने फर्स्ट जैसे जैसे करके हिम्मत करके बोला कि मैडम मेरे को ना स्टमरिंग की प्रॉब्लम है। तो मतलब स्टमरिंग के बारे में तो मैं जानता नहीं था उस समय, हकलाना बोला था मैंने, मुझे स्टमरिंग के ठीक बारे में पता नहीं था जनरली, मुझे ये वर्ड ही नहीं पता था। है तो मैंने बोला था कि मैं हकलाता हूँ, तो मुझे हकलाने की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे सर, उसके बाद मैं एक शब्द नहीं बोल पाया। और 5 मिनट उन्होंने मुझे, मैंने बहुत कोशिश करी इधर हिलने की, इधर टेबल हिलाने की, पूरा शरीर जकड़ गया मेरा। 5 मिनट के बाद सर मैं वहां उठ के गया, और मैं सर बहुत रोया उस दिन। मुझे लगा कि ये राइट मतलब क्या है, ये क्या होगा जीवन में राइट ऐसे, राइट क्योंकि हाँ मैं फाइनल आ गया था फाइनल ईयर में, और घर की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, तो मुझे जॉब करनी बहुत जरूरी थी। तो मुझे लगा अब कैसे चलेगा। तो सर उसके बाद एक फिर कंपनी आई आपने थी लखानी फुटवेयर लिमिटेड। यस तो सर उसके उसके बाद एक बाद क्या करा कंपनी, था आपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए जब आपका उसके बाद इंटरव्यू भी सर मैंने कुछ नहीं किया था मैंने उसके बाद में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सैड हो गया था। फिर सर मैं एक कंपनी आई थी हमारे वहाँ लखानी फुटवेयर लिमिटेड, तो सर वहां पर मेरा इंटरव्यू थोड़ा ओके ओके गया, तो उन्होंने मुझे मेरा को सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है तो सर फिर मैं R&D डिपार्टमेंट में वहां पर गया था रिसर्च टीम में। तो सर वहाँ हमारा बेसिकली काम होता था कि हम कोई भी कंपोनेंट को डेवलप करके उसके बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी ये ठीक कॉस्टिंग बैठेगी, इसमें ये केमिकल्स लग रहे हैं और ये हार्मफुल होगा, इसमें ये हैजार्ड्स केमिकल्स हैं। तो सर वहां पर मेरे लिए स्थिति आ गई थी डू एंड डाई की, ठीक या है तो मैं वहां पर जाके बोलता और या फिर मैं पीछे भाग जाता। ठीक है अच्छा तो सर वो मेरे लिए लाइफ का एक अच्छा पॉइंट रहा था, जहां से मेरी पॉइंट जिंदगी चेंज होने वाली, टर्निंग पॉइंट था सर वहां से। मैंने धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में जाके मैं बहुत अच्छा बोला, मुझे स्टार्टिंग में काफी दिक्कतें आई और मुझे काफी स्टामरिंग भी हो रही थी, लेकिन सर धीरे 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 मैंने इनको मैनेज करना सीख लिया, थोड़ी स्पीकिंग के पैटर्न से, और थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड, मेन तो बेसिकली था मेरा माइंड से, मैं थोड़ा बिल्ड होने लग गया था कि मुझे ये बिल्कुल चीजों को बिल्कुल थोड़ा सा इग्नोर करने लगा था। ठीक है फिर सर इसका मेन पॉइंट ये भी होता है कि मैं लाइफ में बिजी भी हो गया था, मेरा ये दिमाग से हटा के मैंने अपनी लाइफ के बारे में सोचना कुछ शुरू कर और दिया। जो है पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे आपके लाइफ हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा फिर सर मैंने सर 2-3 MNC कंपनी में काम किया, उसके बाद 2-3 जगह इंटरव्यू ठीक दिए जहां मुझे दिक्कत नहीं हुई। है और अभी सर मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अभी ठीक ठीक बोलता हूँ, और अभी मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, मीटिंग भी दे देता बहुत हूँ, अच्छी बात है बहुत बहुत सारी अच्छी चीजें बात है होती हैं।
जिसमें मुझे सर इतनी दिक्कत अब आ नहीं रही है। ठीक बाकी मैंने आपसे भी सर बहुत कुछ सीखा है, आपसे भी मैंने सर जो मेरा एक फेयर था वो नहीं, मेरा निकला वैसे है, तो आप गाइडेंस लाइक जो आपने आप मुझे दिया। पहले से ही काफी अच्छा बोलते थे। दीपक जी, मेरा अगला जी सर, सवाल आपसे ये है। पता है ऐसे कि मैं जब लोगे मुझे कॉल आते हैं स्टैमरिंग के लिए, तो दीपक जी जी पता है जो मतलब जिन स्टैमरर्स की एज 28 27 ऐसी होती है और वो मुझे कहते हैं कि सर हम जॉब में नहीं है, तो जी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जॉब में नहीं होना उनकी स्टैमरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनको एक्सपोजर अभी भी नहीं मिल पा रहा। आपके केस जी में ये है कि ऑल्दो आपका जो इंटरव्यू था वो थोड़ा स्ट्रगलिंग था, वो थोड़ा चैलेंजिंग था, बट आपने एट दी एंड यू मेक इट, आपका उसमें सिलेक्शन हो गया। उसके बाद लाइक आपकी स्पेशली जॉब ने आपको जो एनवायरनमेंट दिया है, क्या आपको लगता है कि जॉब ने जो आपको एनवायरनमेंट और जो सिचुएशन में डाला उसने आपकी स्टैमरिंग को रिड्यूस करने में या मैनेज करने में हेल्प करी है? जी बिल्कुल सर, क्योंकि सर मैं जब घर में था तो सर मेरे हाथ में चीजें थी, मैं चाहता बिल्कुल। तो वहां पर बोलूं या ना बोलूं वो मेरे हाथ में था। लेकिन सर जॉब में ऐसा नहीं है, जॉब में सर मुझे अगर मेल है वो मीटिंग या मुझे वहां जाना है तो मुझे जाना ही जाना जाना है। ही है, तो जाना सर ही है, ये जाना ही सिचुएशन मेरे लिए है। डू एंड डाई वाली बनती है यहाँ पर, हाँ तो सर हाँ इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्ड हुआ और बिल्कुल। मैंने सिचुएशन को फेस करना शुरू किया। और उसके बाद सर फिर मैं उनका आदी हो गया, अब मुझे उनकी आदत हो गई है वो सब सिचुएशन की। और अब मेरे लिए वो कंफर्ट जोन हो चुके हैं, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस जोन थे, अब वो मेरे लिए कंफर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक, जी सर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ऐसे दीपक जी, एक और चीज़, जैसे कि आपको काफी एक्सपोजर है, आप रोज नए लोगों से मिल रहे हो, ठीक है। जी बेशक हम लोग ये कहते हैं कि हमें स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए, बट ना काफी टाइम जी लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ये समझ लेते हैं कि स्टैमरिंग को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं स्टैमरिंग भी करूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अब मैं स्टैमरिंग को इम्प्रूव ही नहीं करूंगा, वो जैसी है वैसी है। तो ये वाली मेंटालिटी काफी बेकार है, क्योंकि इससे होगा क्या कि वो इंसान स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर रहा है कैसे कि मैं स्टैमरिंग करूंगा ही, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे स्टैमर होता है, बट मैं काम नहीं करूंगा। तो इसमें क्या होता है, ऐसे इंसान को बहुत बार जब वो बाहर जाता है वो तो ये समझ रहा है कि ये मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता आगे वाले क्या सोच रहे हैं। बट जैसे आपका बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता है, क्या आपको लगता है कि कैसे लोग देखते हैं एक स्टैमलर को? क्या वो एक स्टैमलर को वीक इंसान के तौर पे देखते हैं? क्या ये लोग मानते हैं कि एक स्टैमलर उसके बोलने का तरीका ही ऐसा है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या लोग भी उस स्टैमलर की तरह चीजों को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं आपके अकॉर्डिंग? क्या अच्छे लोग ऐसे होते हैं? सर सारे लोग इतने अच्छे भी नहीं होते, क्योंकि दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं सर बेसिकली जो स्टमरिंग खुद कर रहे हैं ना वो ये चीजों को समझ सकते हैं। बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल। जनरली लोग होते हैं जिन्हें स्टमरिंग के बारे में पता ही नहीं है, जिन्हें उन्हें तो वो सर ऑकवर्ड ही लगता है, क्योंकि ऑकवर्ड वो कहते लगता हैं है। कि यार ये नॉर्मल अजीब बिहेव कर रहा है। तो सर उन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें इरिटेट भी करती हैं, क्योंकि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और या मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो अगर मैं कंटिन्यूअस एक वर्ड पे फंबलिंग कर रहा हूँ तो उन्हें कहीं ना कहीं वो चीजें इरिटेटिंग लगेंगी सर। मेरे हिसाब से तो ये है, लगेंगी। तो अगर मैं अपनी किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है सर कि मैं अगर ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने शराब पी रहा हूँ तो पीऊंगा ही पीऊंगा, तो सर ये गलत है। अगर मैं ये गलत कर है, रहा हूँ कि गलत मैं है, गलत है, शराब गलत पीता है। हूँ तो उसको छोड़ना भी चाहिए, या मैं ये कर रहा हूँ कि मैं सिगरेट पीता हूँ ये एक्सेप्ट किया लेकिन उसको छोड़ा नहीं ना सर, तो कहीं ना कहीं वो मुझे नुकसान करेगी कि कहीं मतलब ना मुझे तो मतलब स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करने के बाद हाँ काम भी उस पर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्टमरिंग को एक्सेप्ट कर लिया तो ये मैंने आधी जंग तो सर जीत लिया है, उसके बाद सर मुझे बस थोड़ा बहुत ही काम उसमें करके उसको खत्म भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि एक्सेप्ट करने वाला अपने आप में योद्धा तो है, लेकिन उसके बाद उसमें थोड़ा सा अगर वो काम कर लेना तो उसको वो जीरो कर देगा। मतलब एक्सेप्टेंस के साथ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैम्पिंग में। बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस पहले तो खैर बहुत बड़ी चीज है, एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी चीज है, ये कर नहीं पाता आदमी, लेकिन अगर जो कर ले रहा है ना सर वो अगर उसमें थोड़ा सा और एफर्ट्स करे तो मेरे हिसाब से वो उसको खत्म कर देगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। दीपक जी जी, एक और
चीज पता है ये है कि ना काफी लोगों को ये लगता है कि जो भी मतलब स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं या फिर जो भी मेंटरशिप लोग प्रोवाइड करते हैं, लोगों को ये लगता है कि यार इनके मेंटरशिप प्रोग्राम में कुछ ऐसा मिलेगा जो स्टैमर को ओवरकम करने के लिए बहुत जरूरी है, और जो मुझे पता है उससे स्टैमर ओवरकम नहीं होगी। ठीक है, तो आप जरा इन्हें ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो हम लोगों मतलब जो बाहर इंफॉर्मेशन है, ब्रीदिंग, टंग प्लेसमेंट या फिर ताकत ना लगाना, वही बेसिक चीज है जो एक स्पीच थेरेपी में भी प्रोवाइड की जाती है। क्या आपका मानना है कि क्या बेसिक चीजों पे फोकस करना चाहिए एक स्टैमर को अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, आपके अकॉर्डिंग? ऐसे आपने इतना कुछ वर्क कर रखा है, आपके अकॉर्डिंग क्या बेसिक चीज है जिन पे काम करने की आवश्यकता है? सर, मैं तो सर बेसिकली अगर मैं बोलूं, जैसा कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि बेसिक चीजें जो एक स्पीच थेरेपी में, चाहे वो कितनी भी बड़ी स्पीच कितनी भी थेरेपी बड़ी भी हो, हो, कितनी भी जहां वो बड़ी सिखाता है, हो, वो बेसिक चीजें यूट्यूब पे मिलती हैं। चाहे वो 25 दिन का कोर्स करें, 50 दिन का कोर्स करें, 100 दिन पचास का कोर्स करें, वो एक लिमिटेड चीजें ही हैं जिन्हें वो सिखाते हैं। लेकिन सर जो सबसे मेन चीज है जो वो नहीं सिखा सकते, वो है एक्सेप्टेंस और फेस करना उसको। फेस मैं कह रहा हूं कि करना। अगर सर मैं फेस करूंगा ना उस सिचुएशन को, मैं सर एक कमरे के अंदर में या फिर मैं अपने कंफर्ट जोन में कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं, कितनी भी कर या लूं, मैं कितनी भी स्टमरिंग के ग्रुप में कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं, जब तक सर मैं उस सिचुएशन में नहीं जाऊंगा जहां जिस चीज में मुझे डर लगता है वो सब चीजें बोलने में, जब तक सर मैं वहां वो चीजों को नहीं बोलता, तो सर मेरी वो स्टमरिंग की प्रैक्टिस जरी की जरी रह अरे जाएगी रह जाए, कुछ और मतलब का ही धीरे नहीं है उसका। धीरे मुझे रिवर्स नुकसान भी कर सकती है। तो सर मेरा मानना तो यह है कि सर हमें उन चीजों की प्रैक्टिस, देखो सर सीखना तो है, अगर हमें कैसे सांस लेनी है, कैसे वो करना है, ये तो सीखना चाहिए, लेकिन साथ के साथ सिचुएशन को फेस करना बहुत जरूरी, सबसे मेन पार्ट है फेस करना। हमें अपना डर डर के साथ उसको फेस करना बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सीधे जाके इंटरव्यू में जाके बैठ जाऊं या सीधे जाके बहुत बड़े अधिकारी से बात करूं, उसके लिए सर मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले आसपास के अपने शॉप में जाऊं, उसके बाद धीरे धीरे वहां छोटे छोटे ऑफिसों में जाऊं या फिर कस्टमर केयर में कॉल लगा दूं। सर अगर मैं खाली ग्रुप में ही प्रैक्टिस करता हूं ना, तो मेरे को नहीं लगता वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस होती है अननोन लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों अननोन से लोगों से बात ही करूंगा। एब्सोल्युटली तो सर राइट, मेरा मानना है एब्सोल्युटली। कि ज्यादा से ज्यादा फेस करो, क्योंकि मैंने तो फेस ही किया सिचुएशन को, तो इसीलिए उसमें वो लाइक आपने ऐसा किया कि आपकी जॉब है, आपको फेस करना ही है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है उसमें। हाँ तो वो हाँ एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेन का मतलब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि उसको सरवाइव करना है। आप उसको कहीं पे भी डाल दो, वो उसको अपने हिसाब से ढाल लेगा, भले ही उसके लिए चैलेंजिंग होगा बट वो ढाल लेगा, वो कभी हार नहीं मानेगा। और एक स्टैमलर जैसे सर भी ना मुझे, कहीं ऐसे हाँ ही जी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में कहीं डालते रहे अपने आप को, तो पता है समय के हाँ साथ बिना टेक्निक फॉलो करे भी वो काफी इम्प्रूव कर सकता है, ऐसा है। बिल्कुल। जैसा कि सर दूसरा एक और मेजर कहूंगा मैं आपसे, जैसे सर आपने मुझे भी बताया था कि 90% साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और साइड मेरे हिसाब से यहाँ पर साइकोलॉजिकल को हम कहते हैं फेस करना, जो फेस करना, साइकोलॉजिकल एक्सपोजर है वो एक्सपोजर एक्सपोजर। एक्सपोजर है। तो सर मेनली हमें ना उन चीजों पे काम करना चाहिए। यहाँ पर सर यूट्यूब पे मैंने जो अपना यूट्यूब खोला है, उसमें सर मैं 4-5 लोगों को मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आप ना बहुत अच्छी वीडियो बात कॉल है। पे, मैं अपने दोस्तों से बात, हाँ अपने दोस्तों से मैं फेस टू फेस सर उनसे बात करवाता हूँ, जो कि गर्ल्स और बॉयज दोनों होती हैं, जिससे कि उनका एक डर है वो लगता है, क्यों क्लोज होते हैं सामने जाके ना, जो सर वो आप करते हो फॉलो वहां पर, मैं अपने आधे आधे घंटे के घंटे में बातें करवाता हूँ कि आप पैकेट से यहाँ पर बात हो, क्योंकि जब आप यहाँ पर बात करोगे तब आपका डर निकल जाएगा ये। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सर कई लोग मेंशन एक ऐसे चीज हैं, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, दीपक जी का भी एक स्टैमरिंग पे चैनल है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जो भी कहीं देख रहे हैं तो इनको फॉलो कर सकते हैं गाइडेंस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, दीपक जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है ना, एक ना बहुत मिस इन्फॉर्मेशन और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मार्केट में या फिर सोसाइटी में कि ना स्टैमरिंग जो है वो 1 महीने में ठीक हो जाएंगी, 1.5 महीने में ठीक हो जाएंगी, 6 महीने में ठीक हो जाएंगी। यस, 98-97% ठीक हो सकती है, पर क्या मतलब आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपकी एज अभी 28 है, क्या आपको
लगता है कि स्टैमरिंग जी हैबिट, क्योंकि आप पिछले 20 साल से स्टैमर करते हुए आए हैं, क्या आपका मानना है कि कितने टाइम तक के हमें स्ट्रगल करना हो सकता है स्टैमरिंग के साथ, कितना समय लग सर, सकता है? मेरा मानना है कि स्टैमरिंग जो होती है ना, बेसिकली वो आपके जो आप फेस कर रहे हो ना सिचुएशन, उस पर डिपेंड है। अगर मैं सिचुएशन फेस ना करूं तो हो सकता है मैं पूरी लाइफ उसको झेल के चलूंगा। ठीक है, बहुत और सही बात अगर हो सकता है कि अगर ये होगा कि मैं बहुत ज्यादा सिचुएशन को फेस करूंगा ना, तो है। सर 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के अंदर मैं इसे ओवरकम कर सकता 1-1.5-2 साल, सही बात है। हूँ। जी सर, ठीक है, और एक और आ, 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 सवाल दीपक जी, ये आता है कि ना काफी सारे लोगों को प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिल पाता है, क्या आपकी एडवाइस है उनके लिए, मतलब कैसे उनको समय निकालना चाहिए, मतलब क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कुछ बेसिक टिप्स? सर प्रैक्टिस करने का, सर जैसे मैं आपको बताऊं तो मुझे भी प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, आलसी हूँ मैं थोड़ा सा, किसी दे ऑफिस चले जाता हूँ। लेकिन सर मैं वहां पर ढूंढता हूँ, जैसे मेरे दोस्त हो गए, मैं उनसे बातें करता हूँ, या मुझे बस मेरे कलीग्स हैं उनसे बातें करता हूँ। तो सर हमें प्रैक्टिस को ना वो मौका ढूंढना पड़ेगा पूरे, और ऐसे पूरे दिन में ऐसे आपको 100-200 मौके मिल जाते हैं सर। अगर आप चाहो, अगर आप दिल से चाहो, तो आप किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो आपका फ्रेंड, चाहे वो आपके जी का बातचीत होती है, कर सकते हो टेक्निक्स के साथ। सर उसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की भी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने अपने वर्क के साथ उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपका ये कहना है कि पूरी लाइफ, क्योंकि स्टैमरिंग तो एक ऐसी चीज है जो बहुत बैडली हमें इम्पैक्ट कर रही है, तो क्यों ना पूरी लाइफ को ही प्रैक्टिस में कन्वर्ट हम लोग जी कर दे, राइट? ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। ऐसा है काफी सारे जो लोग जो जी जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए बेस्ट चीज होती है, देखो 15-20 मिनट वर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए अलग से निकाल लो, बाकी टाइम जब जॉब कर रहे हो उसी में पूरी प्रैक्टिस करो, बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है जी दीपक जी, मेरा अगला सर, सवाल ये है कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो एक स्टैमरर को अपनी स्टैमरिंग ओवरकम करने की जर्नी में नहीं करनी चाहिए? क्या आपका मानना है कि ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? क्या जी आपका मानना है, कुछ 2-3 चीज जो आप दिमाग में सोच पा रहे हैं अभी? जी सर, फर्स्ट तो उन्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, पहला है गिव अप, बस क्योंकि हर स्टैमरर ना हार बहुत जल्द। मैंने देखा है कि पहले मुझे भी काफी जुनून था कि मैं 2 से 3 दिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता था, और 4थे दिन अगर कहीं मैं एक दो वर्ड में स्टैमरर होता था, मैं फिर वो गिव अप कर देता था। तो सर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अभी बहुत अच्छा बोलूं, अभी भी मैं 100 में से 2 वर्ड में स्टमरिंग करता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 100 में से 2 वर्ड में जनरली आदमी भी करता है, कॉमन आदमी भी करता है उसमें, कॉमन आदमी ऐसा भी कुछ नहीं करता है, वो भी है। करता है उसमें स्टमरिंग। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हमारी साइकोलॉजी थोड़ी खराब है, हम उन 2 वर्ड को इतना सीरियस ले ले रहे हैं, और जो हमने 98 वर्ड बहुत अच्छे बोले हैं ना, वो हाँ हम सोचते नहीं है। तो सर हाँ ये कहीं उसके ना कहीं बारे में हमारी गलती इम्पोर्टेंस रहती नहीं है, है। हम 98 वर्ड पर काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी सर, हमारा माइंडसेट हमेशा निगेटिव ही रहता है, हमें सबसे पहले जब तक हम इसे पॉजिटिव सेंस में नहीं डाल सकते, तब तक कहीं ना कहीं सर हम हमें स्टमरिंग को ओवरकम करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। और जिस दिन हमने सर अपने पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू कर दिया कि अगर मैं 100 में से 20 वर्डों पर अटका हूँ और 80 में सही बोला हूँ ना सर, तो मुझे लगता है एब्सोल्युटली, वो धीरे धीरे वो 20 वाले वर्ड भी आपके अच्छे रहेंगे। मतलब आप यहाँ पे जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चीजों को देखने का दृष्टिकोण, आप वही बदलना चीज पड़ेगा। में पॉजिटिविटी देख रहे हैं और एक अगला इंसान जो स्टैमरिंग कर रहा है वो वही चीज में नेगेटिविटी जो है खोज रहा है ना? जी जी सर, जी सर, और कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो आप मानते हैं कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है? मेरा मानना है सर, अब मैं बोलूंगा तो सर कई चीजें होती हैं कि ऐसा बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से सर स्टमरिंग की सबसे एक ही प्रैक्टिस है, वो ब्रीदिंग है सर। उसके अलावा मैं तो सर सारी को वही मानता हूँ कि वेस्ट ऑफ टाइम है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली अगर राइट। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल है, अगर आपका इनहेल और एक्सहेल है ना, वो आपके सांस में आ गया ना सर, तो आपको स्टमरिंग नहीं होगी, नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो इनहेलेशन बाकी एक्सहेलेशन चीजों का में बहुत सर मैं इम्पोर्टेंट इसमें रोल होता है। जी, बाकी चीजों मेरे हिसाब से प्रैक्टिस क्या है, वो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर प्रॉपर हम अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे और अपने माइंड को थोड़ा मोटिवेट करेंगे और अपने कैरेक्टर फोकस करेंगे,
24 घंटे में से 1 घंटे के सिवा इसके बारे में सोचो ही मत। 1 घंटे वो भी तब आओ कि पॉजिटिव स्टैमरिंग पे बेस्ट। माइंडसेट के मुझे इसमें प्रैक्टिस करनी है। हाँ बाकी 23 घंटे आप अपने कैरियर पर फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी फैमिली पे करो, अपने देश पे करो, बाकी इन चीजों पे फोकस ही मत करो आप। अब अपने आप एब्सोल्युटली ही ये चीजों को हटा दोगे। यस। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि एक स्टैमरर ना बहुत सोच सोच करके अपनी ही प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, कहीं वो केवल एक, मैं तो जी सर, इनफैक्ट जी यही सर, रिकमेंड करता हूँ कि 1 से 1.5 से 2 घंटा मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करनी है, उसके ऊपर बाकी तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, कुछ और मूवी देखना है देखो, खेलना है खेलो, सो जाओ वो अच्छा है, जी सोचना जो है बहुत बेकार है। हाँ, ठीक है ठीक है। वही दीपक जी, वही एक वही और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नेगेटिव थॉट्स हर जी एक स्टैमर को आते हैं, इनफैक्ट मुझे अभी भी स्टैमर काफी कम होता है बट अभी भी आते हैं कभी कभी जब स्टैमर होता है। ऐसे कल मैं टीम वर्ड नहीं बोल पाया था, मेरे यहाँ पे एक दोस्त है तो मैं उसको टीम बोल रहा था और पिक्चर भेज रहा बोल रहा था, तो मैं से वर्ड नहीं निकले, फिर वही दिमाग में आया यार कि इतने टाइम से प्रैक्टिस कर लूँ, लोगों को सिखा रहा है कैसे स्टैमर ओवरकम करनी, और तू खुद ही जो है 2 वर्ड पे स्टैमर कर रहा है। सो नेगेटिव थॉट मुझे भी आते हैं बट अभी मैं उसको हैंडल कर पाता हूँ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से। आप कैसे नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करते हैं और आपकी क्या एडवाइस है कि अगले स्टैमर को कैसे मैनेज करना चाहिए नेगेटिव थॉट्स को, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थॉट ये कैसे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर, क्योंकि सर नेगेटिव थॉट तो सर सबके आते हैं। वो हमारे ब्रेन एक कहते हैं, या मेरा मानना है कि एक साइड वाला ब्रेन हमारा नेगेटिव थॉट ही तो देता है। वो मतलब एक साइड हमें अच्छा करेगा और एक साइड हमें डराएगा। तो सर वही है। और नेगेटिव थॉट तो सर मुझे ही नहीं, आपको ही नहीं, मेरे को लगता है सभी को आते होंगे, चाहे वो IAS IPS है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी हो, सभी को आते हैं वो। तो सर बेसिकली हमें तो इनको इग्नोर करना चाहिए। और मेरा जो मैं पर्सनली करता हूँ, अगर मेरे को कोई निगेटिव थॉट आते हैं ना, तो सर मैं तो उन्हें बोधू बना ये बोल के ना बोलता हूँ कि फिर से आ गए गधे साहब, मुझे वो करने के लिए, डराने के लिए, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, इनको आते रहते हैं। तो सर मैं उन्हें ही एक, मैंने अच्छे से नाम दिए हैं उन्हें कि अपने आप को मतलब करते रहो अच्छा परेशान, मैं तो अपने हिसाब से आपने, चलूंगा ही चलूंगा। हाँ, हाँ वेरी नाइस हाँ कि वेरी आ नाइस। गए आप, फिर से परेशान कर ले, तो सर मैंने उनको एक अलग से नाम दे दिए हैं। जी सर, ओके ओके ओके। स्टैमरिंग के साथ एक चीज ये है ना कि अपना खुद का सेल्फ परसेप्शन या फिर सेल्फ इमेज एक इंसान काफी बिगाड़ लेता है। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, जब मुझे बहुत स्टैमर का इशू था तो मैं अपने, देखो एक तो वो है कि कोई दूसरा इंसान तुम्हें बोले कि यार तू बोल नहीं पा रहा है, तू इनकैपेबल है, और एक दूसरी चीज है कि मैं स्टैमर कर रहा हूं, मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप, कोई इंसान, कोई एक स्टैमर है, ऐसे आपको इमेजिन करना जो आपको देख रहे हैं, कोई एक स्टैमर है जिसका सेल्फ परसेप्शन बहुत नेगेटिव है, यार मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए आपको, आपकी क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए उसे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ अच्छी, देखो सी आप सर जिस, मैं तो सर हाँ हाँ बोलिए। सर मैं तो सर इसमें दो चीजें बोलूंगा सर। पहली बात तो सर स्टैमरिंग अगर आपको हो भी रही है ना, तो भी सर देखो सर, मेरे हिसाब से सबसे जो बड़ा एग्जाम है इंडिया में वो IAS है, IAS IPS का ना, UPSC। तो सर UPSC में एग्जाम में कहीं भी फॉर्म में ये नहीं लिखा है कि आप स्टैमर हैं तो आप उसका फॉर्म नहीं भर सकते, या आप इसके कैपेबल नहीं हो। तो सर उस हाई लेवल एग्जाम में स्टैमरिंग का तो इशू को कोई इशू नहीं माना गया है, किसी भी टाइम में नहीं माना जाएगा। पहली बात, कोई रोग नहीं है सर, ये एक फोबिया है, हमारे अंदर का डर है। सपोज सर जैसे मुझे तैरने से डर लगता है, तो सर तैरने से डर लगता है तो जब तक मैं नहीं तैरूंगा तो मैं वो कैसे सीखूंगा, मेरा डर हटेगा नहीं। और जिस दिन मैं 1 से 2 दिन तैर गया ना, उसके बाद मुझे कितनी भी गहरी में कुदा दो मैं कूद जाऊंगा। ऐसे ही सर अगर मुझे आग से लगता है डर, तो मैं एक दो बार आग के पास जाऊंगा। तो सर ऐसे ही जब तक मैं बोलने के लिए सामने नहीं जाऊंगा, तो सर मेरा डर हटेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए मुझे जिस जिस सिचुएशन में डर लगता है, मुझे उस सिचुएशन में जाना ही पड़ेगा। और जाना एक ही से दो पड़ेगा। बार में मैं 100% दे दूंगा। अगर आप 2 बार चले गए, तो तीसरी बार में आपको ये डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आप, ठीक है मेरा ठीक ये है। पर्सनली मानना है। आप बहुत बढ़िया, मतलब वही आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी भी टेक्निक सीख लो कुछ मीनिंग की नहीं है जब तक कि आप डर का सामना नहीं करोगे, एक्सपोज अपने आप को नहीं करोगे, क्योंकि आपके ब्रेन का साइंटिफिकली स्पीकिंग जो एमिग्डला है
वो एक्सपीरियंस कैप्चर करता है। एमिग्डाला आपके ब्रेन का एक फियर सेंटर होता है जो मान बैठा है कि हमें किसी के सामने स्टैमरिंग होगी, हमें उसको, ये जो उसकी मान्यता है उसको स्टॉप करना है। इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तू बोल जी सकता है। राइट जी जी राइट दीपक जी, मेरा बिल्कुल बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जी स्टैमरिंग ना लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है लोगों की। ऑब्वियसली बात है जी कि जी जिन लोगों को बहुत स्टैमरिंग होती है तो इंटरव्यू क्रैक कर पाना इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। जी तो कितना सीरियस मैटर है स्टैमरिंग और कितना सीरियसली लेना चाहिए एक इंसान को अपनी स्टैमरिंग? बिकॉज मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मेरे को भी ऐसे कुछ मेरे मतलब जो भी लोग में से मेंटरशिप लेते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो टास्क ही कंप्लीट नहीं करें, सर मैं आज बाहर गया था मैं वो नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया तो मैं वो नहीं कर पाया। बहुत लोग ऐसे होते हैं राइट। सो बहुत लोग ना, इनफैक्ट 80% ऑफ लोग स्टैमरिंग को सीरियसली लेते ही नहीं, सिर्फ वो इमेजिन करते हैं कि इन फ्यूचर उनकी स्टैमरिंग ओवरकम हो जाएंगी। क्या आपका मानना है कि कैसे स्टैमरिंग एक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और दूसरा कितना सीरियस मुद्दा है स्टैमरिंग किसी एक स्टैमर की लाइफ में? आपका क्या मानना है, कितना सीरियस आप इसको मानते हैं? जी सर, सीरियस तो सर है, क्योंकि देखो हमारा बेसिकली आजकल जो भी काम होगा वो बोलने के सिवा तो होगा नहीं। हमें अपनी अपने हमारे अंदर कितनी भी हमें ज्ञान है, नॉलेज है, हमें सर उसको बताने के लिए हमें सामने से बोलना पड़ेगा उन सब चीजों को। तो सर इसके लिए सर वो सीरियस तो है, क्योंकि अगर हमें कहीं बोलना है, कहीं इंटरव्यू देने हैं, और मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जब तक मैं उससे बोल ही नहीं पाऊंगा वहां पर, तो राइट मैं राइट इंटरव्यू में राइट, सेलेक्शन कुछ मीनिंग ही नहीं है नहीं। उसका। हाँ, कुछ मीनिंग नहीं है सर उसका। तो सर इसके लिए सर हमें सीरियस तो सर रहना ही पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि मैं आपका कोर्स ज्वाइन कर लूं और मैं खाली आप मुझे 1 घंटा समझा दो, मैं उससे सीख जाऊंगा, तो सर आपको मैं ये बता सकता हूँ कि ये करना आपके लिए फायदा है। लेकिन सर अगर मैं आपकी बातों को फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे नहीं लगता सर कि मेरे को उससे कुछ फायदा होने वाला है। तो सर लाइफ में सर इसके लिए सर ये सोचना चाहिए कि अगर हम लाइफ में इससे 20% 30% फायदा हो रहा है, तो सर हमें इसके लिए सीरियस हो जाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं अभी छोटा हूं तो सर मेरी स्टडी में, उसके बाद मेरी जॉब में, फिर मेरी शादी में, फिर मेरे बच्चों में, कहीं ना कहीं सर ये बोलना तो मुझे सर हर जगह चाहिए, हर जगह करना ही पड़ेगा। हाँ जी एब्सोल्युटली राइट, सर ऐसा लाइक इनफैक्ट होता भी है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लाइक इनफैक्ट 60% लोग जो भी आप आते हैं उनको मैं टास्क भी कहीं एक्सप्लेन कर दूं क्या करना है, तो जी इनफैक्ट आधे घंटे की भी लोग टास्क नहीं दे पा रहे। और सबसे जी बड़ा एडिक्शन एक स्टैमर को आज जो है वो है यूट्यूब वीडियो। वो सालों सिर्फ जी यूट्यूब वीडियोस देख करके ही बिता देता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जी जी नाइनटी हाँ इनफैक्ट जी हाँ 90% जो स्टैमर्स बाहर है सिर्फ वो यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं और एक्शन टेकर नहीं बनते, वो एक्शन नहीं ले रहे होते हैं। सीख लिया उनको लगता है कि डायरेक्टली वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। राइट सो प्रैक्टिस करना इज जी मस्ट हर सर एक सर अभी इंसान ना का। सर अभी ना YouTube से सर मेरे पास एक क्लाइंट, मतलब मेरा एक, मैंने क्योंकि मैंने बोला कि मैं चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ, तो सर वो मेरे पास WhatsApp पे उसने मैसेज किया, तो बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे स्टमरिंग की प्रॉब्लम है। तो सर मैंने उसे WhatsApp पे कॉल करने की कोशिश करी, तो उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा बात कर लो, बोले कि नहीं मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मतलब सर इस लेवल का डर है लोगों के अंदर, डर मतलब है मैं तो डर। कभी यकीन नहीं मानता था कि इस लेवल का डर हो सकता है किसी को कि इनफैक्ट मैं बात नहीं कर सकता। अभी ना आपको बहुत लोग मिलेंगे पता है, लाइक दीपक जी मतलब जब किसी का कॉल आता है ना, लाइक बिना हाँ हियर के वो इंसान हाँ तक के नहीं बोल पा रहा है, नाम तक के नहीं बोल पा रहा है। हाँ तो किस मेंटल जी ट्रॉमा से, किस मेंटल डिप्रेशन टेंशन का वो इंसान सामना कर रहा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इनफैक्ट पता है मतलब कोई ऐसा इंसान आता है ना वही कि जो मतलब कॉल बात नहीं कर पा रहा है, ट्राई करना कि उसको ये एक्सप्लेन करना हाँ कि सर मुझे भी स्टैमर है, मैं भी उस सिचुएशन से गुजर चुका हूं जिसमें आप हैं, और ऐसे करके आप एक्सप्लेन करोगे ना वो फिर शायद आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है अब मैंने यही बोला सर, मैंने उन्हें वॉइस वॉइस मैसेज भी करे, मैंने बोला वॉइस मैसेज करके भी मैंने बोला कोई नहीं होता। बल्कि सर मेरे मेरे पास 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अभी सिखाता हूँ, तो वो सर मतलब उसमें से 4-5 लोगों को तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन वो एक सीरियस है, जबकि मैंने थोड़ा उन्हें कुछ सीरियस चीजें भी होता है बताई है। होता है अभी होता है। आप
अभी आप ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो या ऐसे करो। और मैंने कहा जब आप कंफर्ट हो जाओगे मेरे साथ, तो क्योंकि सर ज्यादा से ज्यादा मैं उन्हें वॉइस से करा सकता हूँ, क्योंकि जब मैं उनसे फेस टू फेस बात करूंगा तो ज्यादा नॉलेज तो सर मैं उन्हें तब भी दूंगा, या मैं उन्हें उनकी सिचुएशन को समझूंगा कि उन्हें प्रॉपर दिक्कत कहाँ पर आ रही है। तो ये सर मैंने, मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं सर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम है और वो सीरियस प्रॉब्लम सामने सर। से आगे भी नहीं आना चाहते, सामने से आगे भी नहीं आना चाहते, क्योंकि बेसिकली जब तक हम आगे नहीं आएंगे तो तब तक तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा ओवरकम करना। जी सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, ठीक है जी सर, जी सर, दीपक थैंक यू। जी, क्योंकि सर हालांकि मुझे भी आपसे मुझे आज बहुत दिनों बाद बात करने का मौका मिला। हाँ, बाकी दीपक जी ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए स्टैमरिंग पे, ठीक है, काफी जी अच्छा सर, जी इनिशिएटिव। पता है इसमें एक, पता है बेनिफिट ये होता है कि अपना खुद का ज्ञान जो है इससे बढ़ता है। ऐसे कि मैं जी जो सर, भी ये कर रहा हूँ YouTube पे, मुझे कोई, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप 99% अभी तक के मेरा यही प्लान है कि मुझे इस फील्ड में आगे नहीं जाना। दिसंबर में मेरा जी इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू क्रैक करूंगा, मैं फील्ड में कुछ और कर रहा हूँ, मैं इसको एज अ हॉबी जो है करना चाहूंगा। बट अभी जी मैं ये चीज कर इसलिए रहा हूं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊं। और जो आप अभी कर रहे हैं ना कि जी लोगों की हेल्प कर रहे हैं स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए, यस आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बट आप पाओगे ना कि वो चीज जी आपको भी बहुत हेल्प कर रही है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जी 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 राइट? जी क्योंकि खुद सर, का उससे नॉलेज बढ़ता है वीडियो बनाने से, और जितना आपके पास खुद का नॉलेज होगा उतना आप अच्छे से इसको ओवरकम कर पाएंगे, राइट? ठीक जी सर, जी सर, जी है, सर, बिल्कुल बाकी ऑल बिल्कुल द बेस्ट फॉर फ्यूचर बिल्कुल चैलेंजेस। आप वैसे भी बोलते बहुत अच्छा है, इनफैक्ट मेरे एक वीडियो में सर, ये रिप्लाई आया था कि सर आपको स्टैमिंग ज्यादा हो रही है, इनको कम हो रही है, आया था, आपको दिखा भी दूंगा मैं ऐसे। सो आपको वैसे भी स्टैमिंग बहुत एवरेज है, बट वो ऑब्वियसली बात है कि वो ऐसा नहीं है कि एवरेज वो हुई है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, आपने चैलेंज फेस किया है, एज अ रिजल्ट आपकी स्टैमिंग अभी इतनी कम हो गई है, ठीक है? सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ जी सर, योर हार्डवर्क ओनली, ऐसा नहीं कि वो अपने आप हुआ है, वो आपके हार्डवर्क से ही हुआ है, ठीक है? ठीक है, जी सर, बाकी थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, कमिंग, ओके, ठीक जी है दीपक जी, अपन तो बात सर, जी सर, जी सर, करते ही रहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे जी सर, आप जी मैं आपको कॉल और? करता रहूंगा ठीक है, हाँ सर। बस सर, मैं सर यही कहना चाहूंगा था सबसे कि आप, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, वैसे हमने इसको बना दिया है, तो और बना दिया अगर हमने। आपको कोई भी, मुझसे भी हेल्प चाहिएगी तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा राइट जो गाइडेंस राइट, है वो मैं फ्री एंड कॉस्ट डिस्क्रिप्शन है में जो है इनके बेसिकली। व्हाट्सएप जो इनका यूट्यूब चैनल है उसका लिंक जो है ऐड कर दूंगा, जो भी चाहते हैं इनसे बात करना वो वहां से इनके थ्रू इनसे बात कर पाएंगे, ठीक है? ठीक, बाय, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर, गुड थैंक्स फॉर कमिंग, बाय। नाइट सर।